हेलो फ्रेंड्स, सो क्रिप्टो करेंसी का डिस्कशन करते हुए आज यह सातवां दिन है, सेवेंथ डे ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और ओवरऑल यह 21st डे ऑफ एनालिस्ट प्रभात टॉक्स है। और इसमें आज जो हम मीथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो यह है कि क्रिप्टो करेंसीज आर कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड। सो कोई भी व्यक्ति यही बोलता है कि इसमें तो हर तरह के गलत ट्रांजेक्शन होते हैं, ये होता है, वो होता है, और साथ में ये अनरेगुलेटेड भी है। तो उसी सिद्धांत का मैं खंडन करते हुए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पर भी रेगुलेशन है, और यहां तक कि इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इस पर तो बहुत ज्यादा टैक्स भी लगाया जाता है। इस पर अगर आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहे हैं तो उस पर 30% टैक्स भी लगाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसका डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम से। सो जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ तो यह पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन था और यह ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजेक्शन था। तो इसमें देखा गया कि ये हाईली टेक्निकल है और ट्रस्टवर्दी ट्रांजेक्शन है, तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये पब्लिक के द्वारा ऑटोमेटिकली इसको बहुत ज्यादा मोमेंटम मिला और यह इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर नजर रखना पड़ा कि एक्चुअली यह क्या है, क्या इतना तेजी से ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कि हमारे रेगुलेशन के बाहर हो रहा है। तो लोगों ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने ऑब्जर्वेशन में लेना शुरू किया और इस पर अलग अलग तरह के रेगुलेशन लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी पर भी रेगुलेशन लगना शुरू हो गया। तो कुछ कंट्री में जहां पर यह बहुत अच्छी तरह से मान्य है, तो वहां पर यह अच्छी तरह से ट्रांजेक्शन होता है, सब कुछ लीगल है, हर चीज बहुत ही विविड क्लियर है। जिस तरह से हम अदर डिजिटल करेंसी पेटीएम वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कुछ कंट्रीज में, बट नॉट इन इंडिया एज ऑफ नाउ। बट इन इंडिया ऑल्सो इट हैज बीन गिवन ए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजेक्शन करते हैं तो शायद कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ टैक्स एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर ट्रेडिंग करते हैं और उससे फायदा कमाते हैं और उससे अगर आपका रेगुलर इनकम हो रहा है तो उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जिसके आधार पे इसमें जो करेंसीज आती हैं उसका हिसाब किताब लेखा जोखा रखा जाता है और देखा जाता है कि यह ट्रेड में किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। और ये सब जरूरी भी है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आए दिनों में देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ ऐसे अपराध जो पैसों के बल पे किया जा सकता है, जिसमें हम पैसे को छुपा सकते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में इस तरह का लेखा जोखा सरकार के द्वारा अगर लिया जा रहा है तो वह बेहद सही निर्णय है। और इसके अलावा इसमें बहुत तरह के और भी रेगुलेशन होते हैं जो कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। जिस तरह से हमारा अकाउंटिंग का जो बहुत सारा रूल्स होता है, इंडियन करेंसी इंडियन अकाउंटिंग का कुछ अलग रूल्स होता है, यूएस का अकाउंटिंग होता है उसका अलग रूल्स होता है, एक इंटरनेशनल लेवल पे IFRS होता है उसका अलग अकाउंटिंग का रूल्स होता है, लेकिन सबको मिला जुला करके चलना पड़ता है। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी एक नया अकाउंटिंग लेकर के उभर करके आया है और इसको हमें यूएस गैप और IFRS और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम सबको एक साथ मिला करके इनके साथ भी एक तालमेल बैठा करके चलना पड़ेगा। ऐसा अगर अभी चल रहा है तो बहुत ही सही है, नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसा तो होगा ही होगा। तो इसी के साथ मैं कह रहा हूं कि इसका बहुत कुछ है जो रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा इस पर किया जा रहा है और जो कि बहुत सही है। और मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि रेगुलेशंस टाइट रखो और इसको चलने दो, इसको इलीगल घोषित नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर रेगुलेशंस अच्छे होने चाहिए। रेगुलेशंस इतना अच्छा होता कि ना तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सके, ना ही कोई और मनी रिलेटेड विवाद उत्पन्न हो सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। इस पर रेगुलेशंस अगर स्ट्रिक्ट नहीं है तो स्ट्रिक्ट करो, लेकिन ये इकोसिस्टम में एक तरह से चलना चाहिए। जिस तरह से मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ,
कि अगर विंडोज है, अगर एप्पल सिस्टम है, तो लिनक्स भी ओपन सोर्स होना चाहिए। उस प्रकार यह भी एक फ्री मनी की तरह हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट बाउंडेशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बीचों बीच एक फ्री क्रिप्टो करेंसी भी होना चाहिए, जो जितना स्ट्रांग एंड इफिशियंट होगा उसको ऊपर आने का उतना ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, उस पर रेगुलेशन रखो, अनाप शनाप रेगुलेशन मत रख दो, लेकिन एक जायज रेगुलेशन रखो ताकि इसका अकाउंटिंग अच्छा से हो सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।